देख रहे हैं जगन न्यूज 24। मदनपुर डबास के ग्रामीणों ने जन आक्रोश आंदोलन शुरू किया। ग्राम सभा की जमीन पर स्कूल बनाने का विरोध। ग्रामीण चाहते हैं प्लेग्राउंड। मदनपुर डबास गांव के करीब 2 एकड़ जमीन को लेकर सरकार और ग्रामीणों में टकराव शुरू हो चुका है। इस जगह पर खेल ग्राउंड बनाने की मांग कर रहे हैं। आसपास इलाके में कोई भी प्ले ग्राउंड नहीं है। ग्रामीणों का कहना है कि यह जमीन ग्राम सभा की है। 4 गांव के लोगों ने इसे खेल ग्राउंड के लिए 1954 में चकबंदी के दौरान दिया था, लेकिन अब यह जमीन डीडीए के अधीन आ गई है, जिसे डीडीए ने कुछ समय पहले दिल्ली के शिक्षा विभाग को स्कूल बनाने के लिए निर्धारित किया है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने करना शुरू कर दिया। ग्रामीणों का कहना है कि आसपास में 5 से 6 सरकारी स्कूल हैं, लेकिन एक भी प्लेग्राउंड नहीं है, और जहां पर स्कूल बनना है वहां पर प्लेग्राउंड की मांग कर रहे हैं, जिसे लेकर अनिश्चितकालीन धरने की बात हो रही है। ग्रामीण निवासी और इसी मांग को लेकर जन आक्रोश ग्रामीणों में दिख रहा है, जिसे लेकर दिल्ली सरकार और डीडीए के खिलाफ नारेबाजी करते हुए प्लेग्राउंड की मांग कर रहे हैं। ग्रामीणों ने यह भी कहा कि जब तक प्लेग्राउंड की मांग को पूरा नहीं करती तब तक यह प्रदर्शन जारी रहेगा। मेरा नाम कृष्णा डबास है। आप लोग नारेबाजी कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना पर बैठे हैं, आप लोग क्या मांगे हैं और किससे आप मांग कर रहे हैं? हमारी मांगे यही हैं कि हमारे बच्चों के लिए खेलने के लिए जगह होनी चाहिए। आज तो ये जगह हम दे देंगे स्कूल के अंदर, उसके बाद बच्चे कहाँ खेलेंगे? छत पे। मकानों में भी इतनी तंगी आती जा रही है कि जनरेशन बढ़ती है, आगे जनता बढ़ेगी तो खेलेंगे कहाँ? जो खेलने की जगह वो खेलने की जगह यूज होनी चाहिए, न कि स्कूल में। स्कूल जो हैं वो ही खाली पड़े हैं, पहले उनमें बच्चे भरो, कहाँ से भरेंगे? एक तरफ से सरकार कह रही है 2 ही बच्चे होने चाहिए, तो 2 बच्चे हैं तो 2 बच्चों के लिए तो 2 स्कूल बहुत हैं गाँव में। 4 चलाने की कोई आवश्यकता नहीं है। स्टेडियम एक भी नहीं है, यहाँ आसपास में भी कहीं नहीं है, तो स्टेडियम बनना जरूरी है। हाँ, बुआना से लेकर यहाँ तक, बुआना में स्टेडियम है, उसके बाद यहाँ हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ स्टेडियम बने, 4 गाँव के बच्चे आके खेलें, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। अरे यहाँ पे खेलने के लिए कोई भी जगह नहीं है, हमें बच्चों को खेलने के लिए जगह चाहिए। स्कूल तो काफ़ी है, प्राइवेट भी है, सरकारी भी है, सभी हो जाता है, लेकिन खेलने के लिए कोई ग्राउंड नहीं है, बच्चे कहाँ खेलेंगे? इसीलिए हमें स्टेडियम ही चाहिए तो खेलने का। हम पूरी पूरी कोशिश करेंगे कि हमें यहाँ पे खेलने के लिए ग्राउंड ही बनाएंगे। धरना हमारा इसी बात पे रहेगा कि हमें खेलने के लिए ग्राउंड ही चाहिए, हमें स्कूल नहीं चाहिए। रमेश कुमार डबास। हमारे गांव की चकबंदी 1954 में हुई थी, उस टाइम ये जगह छोड़ी गई थी खेल के लिए, और तभी से खेल तैयार है, खेल में यूज हो रही है, इसको कोई नहीं फालतू इस्तेमाल करता किसी चीज़ के लिए। खेलते ही बच्चे वॉलीबॉल हुआ, खो खो हुआ, क्रिकेट हुआ, कबड्डी हुआ, बास्केटबॉल हुआ, और एथलेटिक्स वगैरह सब करते हैं। उसके बाद रही एजुकेशन की बात, ये खेल भी तो एजुकेशन में आता है। उसके बाद फिर ये 400 मीटर पर स्कूल रहा, 1 किलोमीटर स्कूल रहा, 2 स्कूल, 4 स्कूल, हर चारों साइड में 6-7 स्कूल हैं। सही कंधावला स्कूल है यहाँ से 800 मीटर पर ही, उसमें टोटली 140 बच्चे हैं, यहाँ स्कूल ही कोई आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए हम तो कह रहे ये खेल परिसर ही रहे, और ये हम ले कर ही रहेंगे जब तक धरना प्रदर्शन चलता रहेगा, जब तक हमारे को खेल के लिए परमिशन की योजना नहीं होगी, जाए खेल योजना नहीं होगी। सर एक बार अपना नाम बता दीजिए। अष्ट जगवीर सिंह। ये जो विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, स्कूल बनना तो अच्छी बात है, लेकिन आप तो प्ले ग्राउंड की मांग कर रहे हैं जी, तो क्या मांगे हैं आपको, किससे मांग कर रहे हैं? हम डीडीए से मांग कर रहे हैं खेल परिषद, क्योंकि ये सारी जमीन डीडीए ने आज दी गई है। ये स्कूल तो काफ़ी हैं चारों तरफ, स्कूल 6 स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल चल रहे हैं यहाँ, तो स्कूल की तो कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ। हम तो यहाँ खेल परिसर चाहते हैं, जो आने वाली जनरेशन है और युवा हैं जो किसी कंपटीशन की तैयारी करते हैं, वो यहाँ कंपटीशन की तैयारी करेंगे, और हमारे खेल भारत में नहीं, हमारे देश के, हमारे गाँव के बच्चे, हमारे क्षेत्र के बच्चे देश का नाम रोशन करेंगे, गांव का नाम रोशन करेंगे, इसलिए तो अभी आप जिन विभागों में आप गए हैं वहाँ से क्या जवाब? सिर्फ आश्वासन मिले हैं। किस तरह आश्वासन मिले हैं? हमारे क्षेत्र के एमएलए ने भी लिखा है, लेकिन उसमें उन्होंने खेल परिसर और पार्क की के लिए लिख दिया। अगर वो सीधा खेल परिसर के उसमें लिखते तो और भी अच्छा रहता। उसके बाद हम प्रवेश वर्मा जो अपने दक्षिणी दिल्ली के सांसद हैं उनके पास भी गए थे, उन्होंने एसडीएम से पूछा, ऐसी
जानकारी बताइए जिसके आधार पर आप वहाँ जाते हैं। तो उन्होंने कहा हमारे पास तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है, ना हमारे पास कोई ऐसा ऑर्डर है। अम्मा बोलिए, प्रदर्शन में आप बैठे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, क्या मांगे? यही मांग है, हमारे बच्चों के खेलने के लिए जगह चाहिए। स्कूल तो बन रहे हैं, इनका एक का और बढ़ा जो एक वो जगह तो बच्चों के लिए ये स्टेडियम बन जाएगा। कोई नहीं है यहाँ खेलने कूदने की। मेरा नाम मोहित कुमार है, मैं रानी खेड़ेगा निवासी। मदनपुर डबास में काफ़ी समय से 1954 से तक बन गई थी, गांव के लोगों ने जमीन स्टेडियम के लिए दी थी, क्योंकि अभी डीडी के अधीन आई है जमीन, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट ने इस स्कूल के उस पर दे दी है। तो गांव के लोग, चौगामे के लोग, चार चौगामे हमारे यहाँ, मदनपुर डबास, रानी खेड़ा, रसुलपुर और मुबारकपुर, यहाँ स्कूल काफ़ी है, तो हम चाहते हैं यहाँ पर स्टेडियम बने खेलने के लिए, क्योंकि अगली आने वाली पीढ़ी खेल कूद के, गांव के लोग खेलने में ज़्यादा रखते हैं ध्यान, तो इस कारण हमने डीडीए से भी आश्वासन मिला है, अभी सफलता नहीं मिली है। और धरने को हम जब समाप्त करेंगे, जब हमारा क्लियर स्टेडियम के लिए ऐलान हो जाएगा और लिखित कार्रवाई में आश्वासन मिल जाएगा। ये जो प्रदर्शन कर रहे हैं आप लोग, ये कब तक चलेगा और क्या मांगे हैं आपकी? ये जब तक चलेगा, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक हम यहाँ बैठे रहेंगे, हम नहीं जाएंगे यहाँ से बिल्कुल। मांगे क्या है आप? हमारी मांगे ये, हमारे बच्चों के लिए, हमारे जो हमारे खुद के लड़के खेलने के लिए प्ले ग्राउंड चाहिए, हमें स्टेडियम प्ले ग्राउंड जो भी है ये चाहिए, हमें आसपास हमारे यहाँ कोई भी ऐसी चीज नहीं है, सुविधा नहीं है, स्टेडियम चाहिए कि हमारे सब बच्चे यहाँ खेले, आसपास में कोई भी सुविधा नहीं है, हम यहाँ से कहीं बाहर तो लेके नहीं जाएंगे बच्चों को, हमें यहाँ से स्टेडियम ही चाहिए और हम यहाँ तभी तक बैठे रहेंगे। हाँ जी, वो अपने आप ये सब चोरी छुपे से काम हुआ है, ये हमारे सामने कोई काम नहीं हुआ था, पीछे से आए थे और सर्वे करके नाप तोल करके चले गए थे, हमें नहीं पता था इस चीज के बारे में। तो आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर स्कूल बन रहा है? ये तो एक बात, ये नापने के लिए आए थे, बात उभर के आई थी यहाँ पे, हमारे बच्चे बिल्कुल ऐसे घूमते हैं, ऐसे जैसे हमारा घूमते खेलने के लिए, बिल्कुल बच्चों के लिए कुछ भी, कोई प्ले ग्राउंड नहीं है, परिसर नहीं है, मंदिर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पर बच्चे अपने खेल दौड़ ले, अपना शरीर की फिटनेस बना सके, हमारे बच्चों के लिए यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है, 15 किलोमीटर आसपास के एरिया में बिल्कुल भी कोई चीज नहीं है यहाँ पे, स्टेडियम ही नहीं खेलने के लिए बच्चों का। गरीब आदमी ऐसे पैसे लगा कर कहाँ कहाँ तक खिलाएगा अपने बच्चों को, पढ़ाई कराएगा क्या या खिलाने के लिए वहाँ भेजेगा? चाहिए, हाँ जी हाँ जी हाँ, परिसर चाहिए, खेल परिसर चाहिए, स्टेडियम बनाओ। अरे बड़े बड़े बुजुर्ग भी यहाँ आ जाते हैं भाई, वो भी बैठने के लिए भाई, धूप छाए भी, घूमने के लिए भी कुछ चाहिए, कहीं भी है आप देखो घूम के, मीडिया वाले भी चुकर देकर घूम सकते हैं गांव के, और इससे अच्छी कहीं